नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो क्या उत्तर प्रदेश और पंजाब में किसान किंग मेकर बनेंगे, यानी जो भी मुख्यमंत्री चुना जाएगा इनकी मदद से ही चुना जाएगा? ये मैं नहीं कह रहा, ये दावा खुद किसान नेता कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने जयपुर में एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि एक बार आचार संहिता लागू होने दीजिए, आचार संहिता लागू होने के बाद हम एक बड़ा फैसला करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसान किंग मेकर बनेगा। किंग मेकर कैसे बनेगा, यानी किसी को किंग बनाएगा, किंग यानी किसी को मुख्यमंत्री बनाएगा। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो दो ही दावेदार हैं इस समय जो किंग बन सकते हैं। एक है योगी आदित्यनाथ जो 5 साल से किंग है, और एक है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उससे पहले के 5 साल तक किंग रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जब किसानों का गुस्सा सारा बीजेपी के खिलाफ है तो उनकी कोशिश अखिलेश यादव को ही किंग मेकर बनाने की होगी। अगर ऐसा हुआ, ऐसा ऐलान हुआ, तो किसानों के स्टैंड में एक बहुत बड़ा फर्क आएगा। फर्क यह आएगा कि पिछले विधानसभा चुनाव जो कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम वगैरह में हुए थे, तब किसानों ने यह आह्वान किया था कि बीजेपी को हराओ, किसको जिताओ, इसका खुलकर ऐलान नहीं किया था। हालांकि पश्चिम बंगाल में उन्होंने सीधे सीधे संकेत वहां जाकर ममता बनर्जी को जिताने के दिए थे, और बाद में दावा भी किया कि उनकी मदद से ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में आई। तो क्या उत्तर प्रदेश में और पंजाब में किसान वाकई में किंग मेकर बन सकते हैं? आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए, कागजों के हिसाब से देखा जाए, तो ऐसा संभव दिखता है, सिर्फ कागजों के हिसाब से। हकीकत में हम नहीं कह सकते, वो नतीजे आएंगे तब पता लगेगा। उत्तर प्रदेश में 2,42,00,000 किसान ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए हैं, और 28,00,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया हुआ है। तो यह संख्या 2,70,00,000 हो गई। अब अगर एक किसान परिवार में 3 वोटर भी हैं तो यह संख्या मोटे तौर पर 8 करोड़ होती है। पिछली बार बीजेपी को 3.5 करोड़, अखिलेश यादव को 1,90,00,000 के आसपास, और उनसे थोड़े से ज्यादा वोट मिले थे मायावती। तो अब अगर ये 8 करोड़ किसान का वोट है, ये पूरा का पूरा एक खाते में एक जगह जाने वाला नहीं है, ये बात राकेश टिकैत भी जानते हैं। अगर हम मानकर चलें कि पहली बात तो ये 8 करोड़ वोटर में से मान लीजिए 5 करोड़ लोग वोट देते हैं या 6 करोड़ लोग वोट देते हैं, मान लीजिए 4 करोड़ लोग ही किसान ही वोट देने आते हैं, और इन 4 करोड़ में से 1 करोड़ लोग मान लीजिए अखिलेश यादव के पक्ष में वोट देते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार 1,90,00,000 वोट मिला था, यानी आधा वोट किसानों का ही मिल जाएगा, और 1 करोड़ वोट बहुत मायने रखेंगे अखिलेश को सत्ता तक पहुंचाने में। लेकिन क्या यह संभव होगा, कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान जिस रूप में सोच रहा है, तराई का किसान, लखीमपुर खीरी का किसान जिस तरीके से सोच रहा है, क्या उसी तरीके से बुंदेलखंड का किसान, अवध का किसान और पूर्वांचल का किसान भी सोच रहा है? आप कहेंगे कि नहीं सोच रहा, इसीलिए तो हमने 4 करोड़ में से 1 करोड़ वोट ही अखिलेश के यादव में डाले हैं, बाकी 3 करोड़ वोट बिखर जाएगा, कुछ जात के हिसाब से वोट देगा, कुछ बीजेपी को वोट देगा, कोई कांग्रेस को वोट देगा, कोई मायावती को वोट देगा, कोई ओवैसी को हो सकता है वोट दे, कोई और निर्दलीय पार्टी या किसी दूसरे को वोट दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर 1.5 करोड़ वोट एकमुश्त पड़ता है तो वास्तव में किंग मेकर की भूमिका में उत्तर प्रदेश का किसान आ सकता है कागजों। अब पंजाब चलते हैं। पंजाब में कुल मिलाकर जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसके तहत करीब 11,00,000 किसान रजिस्टर्ड है। कैप्टन अमरिंदर जब सत्ता में आए थे 2017 में, तब उन्होंने कहा था कि उनके राज्य में 18,50,000 किसान हैं जिनकी कर्ज माफी की घोषणा उन्होंने की थी, जिसमें से 10 लाख से ज्यादा छोटे सीमांत किसान हैं जिनकी 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। चलिए 18,00,000 पकड़ के चलते हैं। 11,00,000 सरकार का आंकड़ा, केंद्र सरकार का 18,00,000, राज्य सरकार का आंकड़ा, बीच का अगर हम 14,00,000 भी मान लें तो 14,00,000 किसान हुए, एक परिवार में फिर वही 3 वोट, तो 42,00,000 वोट हो गया। अब पंजाब में करीब 2 करोड़ वोटर हैं, जिसमें से करीब पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह यानी कांग्रेस को करीब 55-56,00,000 वोट मिला था,
55-56 लाख वोट और 77 सीटें। ऐसे में इन 42 लाख वोटों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ भी पूरा 42 लाख वोट एक साथ नहीं जाने वाला, खासतौर से ये देखते हुए कि किसानों के ही दो धड़े हो गए हैं। चुड़ूनी साहब अलग चुनाव लड़ रहे हैं और राजेवाल साहब ने अलग चुनाव लड़ने की घोषणा की है। एक के साथ कुछ जत्थेबंदियां हैं, एक के साथ दावा किया जा रहा है 32 जत्थेबंदियां हैं। पहली बात तो ये बड़ा सवाल उठता है कि जब किसानों का कल्याण करना आपका मुख्य ध्येय है, आपका मुख्य जिम्मेदारी आप समझ रहे हैं, सियासी जिम्मेदारी, तो फिर आप एक साथ मिलकर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, आप अलग अलग क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? फिर क्यों इस तरह की बात आ रही है कि आम आदमी पार्टी से गठजोड़ हो सकता है, किसी दूसरी पार्टी से किसी तरह का कोई टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? तो ये किस तरह की सियासत किसान कर रहे हैं? चलिए इसको हम थोड़ा भी साइड में रखते हैं, अभी वोटों के आंकड़े पर ही आते हैं। तो 42 लाख, अब पूरा 42 लाख अगर किसानों के हक में चला जाए तो किंग मेकर क्या किंग बन जाएंगे? लेकिन ऐसा होगा नहीं। 10% यानी 4 लाख वोट, लेकिन पंजाब में किसान है, उबाल पर थे, उन्होंने 378 दिन आंदोलन चलाया, तो हम मानकर चलते हैं कि 32 किसान संगठनों और बाकी जो किसान संगठनों के साथ किसानों की सहानुभूति ज्यादा रहेगी, एकता ज्यादा रहेगी। तो मान लीजिए अगर 20% वोट, 25% वोट, यानी करीब 10 लाख वोट किसानों की झोली में आ गिरते हैं, जो कि एक तरह से देखा जाए तो संभव दिखता है अगर चुनाव ढंग से लड़ा जाए और चीजों को व्यवस्थित ढंग से बूथ मैनेजमेंट और सब कुछ किया जाए, तो 10 लाख वोट बड़े मायने रखते हैं। ये देखते हुए कि 55-56 लाख पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार बना ली थी और 77 सीटें जीती थी, जीतने के लिए 117 सीटें वहां पर हैं कुल मिलाकर, तो जीतने के लिए आपको करीब, आप जानते हैं कि 63-64 सीटों की ही जरूरत पड़ती है। तो क्या यह संभव है, या फिर किसान वही जात के नाम पर, वही जाट किसान, वही सिख किसान, वही दलित किसान, वही ब्राह्मण किसान, वही राजपूत किसान, वही मुसलमान किसान इस रूप में वोट देने लगेगा? ये समझने की भी जरूरत है। लेकिन राकेश टिकैत का बयान बहुत कुछ कहता है। अब होगा ये कि पंजाब के अंदर तो किसान चुनाव लड़ रहे हैं, उसका असर यूपी के किसानों पर भी पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी सभाएं होंगी, सभाएं लोग डिजिटल मीडिया पर तो देखेंगे ही, अगर टेलीविजन चैनलों में नहीं दिखा तो वो, या उतना ज्यादा नहीं दिखा, तो उसका असर कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में, तराई के किसानों में, दूसरे उत्तर प्रदेश के इलाकों के किसानों पर पड़ सकता है, और वो आंदोलन जिंदा रहेगा, उनकी जहन में जिंदा रहेगा, उनको चीजें याद आती रहेंगी और उनका जो टेम्पो है वो एक तरह से बना रहेगा। दूसरा, कम से कम पंजाब में जो ये किसानों की दो नई पार्टियां इकट्ठी खड़ी हुई हैं, इन्होंने सभी दलों का समीकरण बिगाड़ दिया है। कांग्रेस का भी समीकरण बिगाड़ा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी का भी समीकरण बिगाड़ा है, आम आदमी पार्टी का समीकरण, जो सबसे ज्यादा भरोसा कर रही थी कि किसान वोट उसे मिल जाएगा, उसका समीकरण को बिगाड़ा है। अकाली दल जो कि जट सिखों के वोट पर ही जीतता रहा है और प्लस उसे बीजेपी के कारण शहरी वोटर मिलता रहा है, हिंदू वोट खासतौर से, उसका भी समीकरण बिगाड़ दिया है। तो राजस्थान में कहावत है कि खीर खाई नहीं तो ढुलाई सही, तो कम से कम पंजाब में तो लगता है कि किसान अगर खीर खाने में कामयाब नहीं हुए तो इस या उस या उस या उस, क्योंकि 4 पार्टियां बाकी की हो गई, किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में खेल बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा कहना बड़ा मुश्किल है। अखिलेश के पक्ष में जाएंगे उसके बावजूद भी क्या अखिलेश 203-204 पार पहुंच जाएंगे, ये भी कहना मुश्किल है। तो बड़ा आज की तारीख में कागजों में तो चीजें कुछ कुछ संभव दिखाई देती हैं, लेकिन जमीन की हकीकत और कागजों में जो कुछ हम उकेर देते हैं, दोनों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। किसान एक वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहे हैं, विकल्प देने की बात कर रहे हैं, उन्हें लगता है उनके ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि विधानसभा में पहुंचेंगे तो अपनी बात जोर शोर से रख पाएंगे, और अगर 2022 का पंजाब का ये प्रयोग कामयाब रहा तो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हम ऑल इंडिया लेवल पर कोई किसान पार्टी देख सकते हैं जो चुनौती देती हुई नजर आए? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।